क्या हाल है तोशी जी? अरे मानव जी, और यहाँ कैसे आज? बस हमने देखा आपने दुकान से जाई हुई है, हमने कहा हम भी चले पूछे जरा क्या हो रहा है, ये आप अरे केमिकल बस फॉर्मूले लेके बैठे हो। कुछ नहीं, बस वही अपना हमने सोचा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कर ले बैठे बैठे। अरे वाह जी वाह, क्या हो रहा है स्किन केयर रूटीन में? पहले ये रूटीन होता क्या है? आपको स्किन केयर रूटीन के बारे में नहीं पता? हमें डाइट रूटीन पता है, ट्रैवल रूटीन पता है, ऑफिस रूटीन पता है, ये स्किन केयर रूटीन के बारे में नहीं पता। तो भाई अपनी स्किन के लिए करते क्या हो ये बताओ, जब कहीं बाहर जाते हो नहाने के बाद या नहाने से पहले, सुबह उठने के बाद अपनी स्किन के लिए क्या करते हो? यार नहा लिया ये बहुत बड़ी बात नहीं है? आप दिन में एक बारी चेहरे पे पानी लगा रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा स्किन की केयर और क्या होगी? स्किन केयर आज तक तो ये जो मैंने नहीं किया है, और अगर कभी जरूरत पड़ता है तो मुल्तानी मिट्टी लगा लेते हैं, सरसों का तेल लगा लेते हैं। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं उतना स्किन केयर के ऊपर ध्यान देता नहीं हूँ। आई थिंक आई ओनली यूज अ सनस्क्रीन लोशन, आई डोंट केयर। I don't remember when was the last that I used something on my skin apart from just taking daily bath with your regular soap or something. यार आप भी बताओ, आपके पास कोई ऐसा केमिकल फॉर्मूला है जिसको हम लगाएं और हम तुरंत हुस्न परी हम जाने जहां हो जाएं? बिल्कुल, आप हुस्न परी और जाने जहां हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप अपनी स्किन के लिए एक छोटा सा रूटीन फॉलो करें और अच्छा। उससे आपको जरूर फर्क नजर आए। चलो जी शुरू करो। सबसे पहले सुबह उठते में क्या करूँ? देखो सुबह उठते ही सबसे पहले तो आप जाए अपना मुंह धोएं, ठीक है, जो आप बेसिकली करते ही हैं। थोड़ा सा लेट करते हैं बट चलो कर दो लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास क्लेंजर है, ठीक है, आपको कुछ नहीं, दो बूंद लेनी है, ठीक है। इसके बाद अपना बस फेस जो है हल्का सा क्लेंज कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप अपना फेस वॉश ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फेस वॉश यूज करें, उसके बाद मुंह धोने, पहले क्लेंजर लगाया फिर फेस वॉश से मुंह धोया, एग्जैक्ट, यानी कि दो बार मुंह को साफ, दो बार मुंह को साफ। ऐसा करना क्यों जरूरी, एक बार हम क्यों नहीं साफ कर सकते? देखिए एक क्या होता है ना, क्लेंजर बहुत ही लाइट फॉर्मूला होता है, ठीक है। उससे जितनी भी आपकी स्किन पर डस्ट वस्ट होती है वो हट जाती है। उसके बाद आप फेस वॉश यूज करते हैं तो वो थोड़ा डीप जा करके आपको आपके चेहरे की सफाई करता है। अच्छा, मतलब क्लेंजर पहले ऊपरी सतह को क्लियर करेगा, फिर जो फेस वॉश है वो डीप क्लीनिंग, एग्जैक्ट। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। और जरूरी नहीं है कि भाई धूप है तभी सनस्क्रीन लगानी है, इंडोर्स में भी ये यूवी रेज जो है ना ये परेशान कर ही देती है स्किन पर, इनका साइड इफेक्ट हो ही जाता है, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो जरूर करें। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी स्किन को जो है वो हाइड्रेट रखना, मॉइस्चराइज करना। तो ये नहीं कि सनस्क्रीन लगा ली तो बस हो गया अपना काम, नहीं भाई अभी क्रीम भी लगानी है। बेसिकली मैं जैसे कि फेयर लवली फेस वॉश हो गया, आपका फेयर लवली क्रीम हो गया, फेयर एंड हैंडसम हो गया, बस ये सब यूज करता हूँ। देखो ऐसा तो एक एंटीसेप्टिक क्रीम है ना जो हम सब यूज करते हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं बताना चाहूँगा, और एक लोशन है वो मैं यूज करता रहता हूँ, और इसके अलावे एज सच अभी मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि पांच और क्या हो सकते हैं। बेसिकली ये दो चीजें मुझे याद आ रही हैं। तो देखो मेंस स्किन केयर, मेंस के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, स्किन हमारी डिफरेंट होती है, डिफरेंट फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, मर्दों की चमड़ी वैसी मोटी होती है, वैसी मोटी होती है, हाँ, तो उसके लिए जो है ना कंपनियां आजकल बना रही है, ठीक है, तो ये नहीं कि बस अब आज जान लिया कि हाँ स्किन केयर होता है और कल जाते ही कि घर में मम्मी या बीवी या बहन किसी का भी उठा लिया और शुरू कर दिया। जी हाँ, ये सच है कि मैं अपने लिए कभी भी परचेज नहीं किया स्किन केयर के लिए, मैं वाइफ का ही यूज कर लेता हूँ, जैसे कि फेयर लवली हो गया, जो भी क्रीम लगाती है वाइफ वही मैं शेयर कर लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ। नहीं भाई देखो मेन स्किन केयर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कल ही जाएं, थोड़ी अपनी जेब खाली करें, मेन स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदें और अपना ये स्किन केयर रूटीन चालू करें और फिर हुस्न परी और जाने जहां वाला गाना गाएं। अच्छा चलो ठीक, मैं पैसे वैसे लगा दूंगा। अभी हम आ गए हैं कहां तक, मॉइस्चराइजर तक, अब इसके बाद फ्री हो जाएं, फ्री हो जाएं बस, बाकी ये सब चीजें कुछ लगाने, ये सब वही है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, पहले आप ये तीन सिंपल स्टेप्स का बेसिक पालन, बेसिक से शुरू करते हैं, पहले 12वीं पास कर लेते हैं, फिर एमबीए, फिर एमबीए करेंगे, फिर तो सीरम हो गए, ये हो गए वो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद तोशी जी, और तोशी जी ने जो ज्ञान दिया है आप भी फॉलो करो, क्या है कि हम लड़के जेन्युइनली ना अपनी स्किन केयर को बड़े हल्के में लेते हैं, सही बात है, और हमारी स्किन सबसे ज्यादा एक्सपोज होती है, हम बाइक चलाते हैं, हम धूप में भी जाते हैं, है ना, सुबह उठते ही पहले धनिया लेने जाओ, फिर नींबू लेने जाओ,
भिन्न भिन्न प्रकार के काम होते हैं, अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे तो आप हुस्न परी आप जाने जहां हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये मैसेज सभी उन मर्दों के लिए है जो स्किन के रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं। तो भाई देखो, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं, अपना फेस क्लीन करो, सनस्क्रीन लगाओ और उसके बाद मॉइस्चराइज करो। इसके बाद जो है ना, स्किन आपकी हुस्न परी और जाने जहां, जैसे मानव भाई ने बोला, वैसे ही हो जाएगी और आप हमें जरूर याद रखेंगे। रखना भी चाहिए, हम भूलने लायक चीज भी नहीं है। धन्यवाद तोशी जी। तो इसी बात से कल से ये 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन, 3 चीज मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल।